हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा कुकिंग एंड ट्रैवलिंग व्लॉग। आज का व्लॉग है कुछ स्पेशल, जैसे कि आज हमारी एनिवर्सरी है, लेकिन और संगीत आ रहा है। हाँ, और हमारे घर में एक छोटी सी पूजा है, तो वो पूजा का व्लॉग। और उसके साथ हमारे यहाँ पर होता है कि पंडित खाना बनाते हैं, और पंडित भी खाते हैं और हम भी खाते हैं, तो उसे भड़जीवनी बोलते हैं इधर कनकवली में। और वो है, और पंडित एकादशी करेगा, और छोटी सी अगर गणेश पूजा हो, जो भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगी। फ्रेंड्स, मैं भी एक बात बताऊं, तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बटन लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और प्रेस करो, रेड वाला बटन प्रेस करो, पक्का करो गाइस। तो अभी एनिवर्सरी की थोड़ी सी तैयारी चल रही है सुबह से, वही पूजा की, और अभी देखते हैं पंडित कब तक आते हैं, और जो भी जिन्हें बुलाया है वो भी। फिर जैसे ही सब लोग आते हैं, सबसे मिलाती भी हूँ आपको, और पूरा व्लॉग आप इंजॉय कीजिए। और हम लोग के दूसरे चैनल, तो गाइस देखिए, सब कटिंग चल रही थी खाना बनने की, सब तैयारी। आलू थे, आलू की सब्जी, दाल, राइस और सोल कढ़ी। और यहाँ पर महेश है, वो नारियल को किरच रहा था। और वो पंडित जी है। मला पहिली पिंजर लावून घ्यायची स्वतःला, मधल्या बोटाने। म्हणजे ही तीन बोटं म्हणजे कशी असतात माहिती आहे, पाच बोटांपैकी ही दोन बोटं निषिद्ध सांगितली आहेत पूजा करताना, ह्या दोघांचा वापर करायचा नाही। हे बोट आहे, हे ह्या बोटाचा वापर फक्त ह्याला अनामिका म्हणतात माहिती आहे, ह्याचा वापर फक्त देवपूजेसाठी। मधलं बोट आहे ते आपल्याला आणि दुसऱ्याला लावतात, हे बोट पितरांचं पूर्वजांचं, म्हणजे पितृकर्म करताना ह्याच बोटाने वापर, गंध वगैरे लावून पूजा वगैरे। तुम्हाला आता हे मतलब नाही, हा तुम्ही घ्या, मला पण असंच काही तू मधल्याच बोटाने हळद आणि कुंकू तुम्ही लावून घ्या। तुम्ही फक्त हळद लावायची नाही, फक्त कुंकू, कारण हळद एकदा लागलेली असते। शाब्बास। दुर्वा ठेवायची एकच कशी त्या बाजूला, हां आहे अलंकारार्थ
पूजार्थे ऋतुकालोद्भव आरक्त पुष्पं समर्पयामि प्रसन्न पूजार्थे दुर्वांकुरान् समर्पयामि। ये तुम्हें क्या नहीं है हाँ गणाधि पता ये नमः सब बाहर तुम खाली आलू तरीका श्रीमन महागणाधि पता ये नमः तमना मेरे दोनों में पानी पड़ा है स्थापित धूपम तुम्हारे पयामी श्रीमन महागणाधि पता ये नमः स्थापित दीपम तुम्हारे पयामी श्रीमन महागणाधि पता ये नमः तसत ओलाहत ना या बाटी लगा श्रीमन महागणाधि पता ये नमः नैवेद्यार्थे पुरथक गणे विद्यम समर्पयामि अमृताय नमः प्राणाय नमः अपानाय नमः अज्ञानाय नमः उदानाय नमः चंदनम समर्पयामि दुर्वा पर रोदवर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि विष्णुकंठे रुद्रस्मासदा तत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्पगरिद्रा अयन्तु देवपूजार्थं दुर्तक्षयकारकाः गङ्गे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे च कावेरी जलेषु तदनन्तरं नैवेद्य म्हणजे हे सगळे उपचार असतात। आता एक काम करा तुम्ही, ही परात आहे ना ती तुमच्या समोर ठेवायला, ये वाली गाइस थोडंसं तुम्ही मागे बसाल का, चला बसाल हे तुम्हाला तुम्हारा इतना पानी छोड़ा है पंचामृत स्नान समर्पयामि पय स्नान समर्पयामि घृत स्नान समर्पयामि दधि स्नान समर्पयामि मधुस्नानं समर्पयामि शर्करास्नानं समर्पयामि परत एक पळी तिघांना असं पाच वेळा पाणी घालायचं। त्यांच्या अमृत स्नानांते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक दोन वेळा पाणी सोडा हाता गुरु पंचामृतभूती असं बोल फिरवाय विद्यार्थी नमो भगवते वासुदेवाय।
गाइस फाइनली पूजा खत्म हो चुकी है। ये है शिल्पा और ये बहुत अच्छी लग रही है। ये चौगले काकी जो मेरा ड्रेस सीने वाली है। और ये है मेरी मम्मी। मम्मी की आज एनिवर्सरी है। पति मम्मी की एनिवर्सरी है। हाँ सॉरी नहीं पता था। आज है मेरी मम्मी और पापा की एनिवर्सरी और यही डेट पे हम लोग ने हमारा घर लिया था। तो ये हरियाणा सर थे और हरियाणा मैम है। हमारी सोसाइटी में रहते मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है वो, उनके हरियाणा सर। तो ये लोग भी आए थे और फिर इसके बाद खाने के लिए स्टार्ट कर दिया था। खाने में सिंपल था, सात्विक भोजन रहता है, दाल राइस और शीरा सोलकड़ी पापड़ और अचार। और विदाउट कांदा और लहसुन का खाना रहता है जिसमें गार्लिक और ओनियन नहीं यूज करते हैं। तो ये पंडित ही बनाते हैं, तो बहुत टेस्टी खाना होता है ये सात्विक भोजन। तो काफ़ी सभी को अच्छा लगा था, खाना भी बहुत टेस्टी बना था। और ये पंडित जी थे जिन्होंने पूजा की थी, जो वो साइड बैठे उन्होंने पूजा की थी, ऑरेंज कलर का गमछा लिया। और जो ये साइड थे इन्होंने खाना बनाया था। तो यहाँ पर ऐसे एक पंडित बनाते खाना और एक पंडित जी पूजा करवाते। और यह सारी चीज़ें अपने हाथों से सिर्फ हमें कटिंग वगैरह चॉपिंग वगैरह करके देनी पड़ती, बाकी यही बनाते हैं। और विराज और महेश का भी स्पेशल थैंक्स कि वो लोग भी बहुत हेल्प करते हैं। विराज तो मेरा भाई है और महेश भी भाई समझ लो या इनका भाई, बहुत अच्छे हैं वो लोग भी, हर चीज़ के लिए हेल्प करते हैं।
तो ये मेरी फ्रेंड थी तेजू, उसके हस्बैंड है ये अजीत नष्टे, और ये है तेजस्विनी। तो उनके यहाँ पर कुछ ऐसी रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, जो हस्बैंड उसके हस्बैंड मेरे हस्बैंड को टीका लगा रहे थे, और उन्होंने कुछ जो उनकी रिचुअल्स के हिसाब से टॉवेल टोपी और साड़ी जैसे देते हैं, जैसे हमारे इसमें तो जोड़ा बोलते हैं, बाकी इन्होंने भी कुछ बोलते होंगे वो मुझे पता नहीं। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को टॉवेल टोपी दी और टीका लगाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फिर तेजस्वी ने मुझे लगा रही थी, और फिर साड़ी देने की भी कुछ अलग उनकी रिचुअल्स है, जो पूरी खोलकर ऐसे उड़ाते हैं, वो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी डिफरेंट था लेकिन अच्छा था। तो ऐसे करके वो पूरी साड़ी पहले उसने ओपन की थी, और फिर जैसे इन्होंने में ऐसा रिचुअल से अगर साड़ी देते हैं जोड़े में, तो पूरी ओपन करके और इसे सर पर पल्लू रख कर फिर देते हैं। तो वैसा ही वो कर रही थी, तो उसने वैसे ही किया, और मुझे अच्छा लगा कि चलो कुछ डिफरेंट सीखने के लिए मिला है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हरियाण सर और हरियाण मैम है हमारी बिल्डिंग में रहते, मेरी फ्रेंड जोशना है, और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे फर्स्ट टाइम रोज़ ऐसे दिया था, तो उसके लिए मैं बहुत हैप्पी थी। और ये कुछ क्लिप्स मैंने आपके लिए ऐड की है, और ये मेरी फ्रेंड्स है सुजाता, स्वाति, जोशना एंड तेजू, और ये मेरा बेस्ट मोमेंट। गाइज, आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा वीडियो ब्लॉग था हमारा एनिवर्सरी स्पेशल, और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब आवर चैनल शिल्पा कुकिंग एंड ट्रैवलिंग ब्लॉग्स।